अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा के तत्वावधान में मनरेगा मजदूरों की समस्याओं के अलावा राशन माफियाओं के खिलाफ जिला अधिकारी कार्यालय के समक्ष जमकर प्रदर्शन किया। ग्रामीण परिवारों को 15 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से अनाज देने और मनरेगा मजदूरी को 500 रुपए प्रति दिन किए जाने, खाद्य सुरक्षा बिल के अंतर्गत आने वाले धन और अनाज को निष्पक्ष रूप से पात्रों में वितरित कराने की मांग को लेकर आज जिलाधिकारी कार्यालय पर जमकर धरना प्रदर्शन किया गया। अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा के सदस्य किसानों ने जमकर नारेबाजी भी की। अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा के अध्यक्ष श्यामा चरण ने कहा कि ग्रामीणों के आवास, शौचालय निर्माण एवं अन्य मदों में आने वाले धन के बंदरबांट को संबंधित अधिकारी रोके। लोग जो मांग कर रहे हैं कि गांव में जो खाद्य सुरक्षा बिल के अधिनियम के तहत जो भोजन का अधिकार, उसका जो गल्ला आया है, उन्होंने जो दिया है 2011 में जो सर्वे की, तो सर्वे के हिसाब से इन्होंने गल्ला दिया और उस समय जो बड़े सारे परिवार छूट गए और वो 5 किलो के हिसाब से वो राशन दिए हैं गांव में। जैसे एक परिवार में दे रहे हैं, दो परिवार छूट जा रहा है। और ये है कि हम लोग मांग कर रहे हैं कि एक परिवार को 15 किलो अनाज दिया जाए और ये जो सर्वे किए हैं, ये सर्वे हिसाब से बिल्कुल गलत है। हम लोग ये चाह रहे हैं कि फिर से खुली बैठक करके गांव में सर्वे कराया जाए और प्रति व्यक्ति 15 किलो अनाज के हिसाब, यूनिट के हिसाब से हर लोगों को दिया जाए। और वो नरेगा का काम है और नरेगा के मजदूरी कम से कम 500 रुपया दिया जाए, महंगाई को देखते हुए। ये 150-200 रुपया की कोई बात नहीं, आप देख रहे हैं जिस तरीके से।